हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। राधे राधे, कैसे हो आप सब? तो फ्रेंड, यहाँ पे हो रहा है अभी मॉर्निंग का टाइम। ज़्यादा मॉर्निंग नहीं है मेरी, सुबह की एक बार तो चाय हो चुकी है। ये मेरी दूसरी बार चाय बन रही है जब मैं अपने बच्चों के लिए बनाती हूँ। मैं तो सुबह उठ के एक बार चाय पी लेती हूँ। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड लेके आ गए थे समोसे नाश्ते में, तो बस यही खा रहे हैं। फिर उसके बाद फ्रेंड, मैंने यहाँ पर पूजा के सारे बर्तन को साफ़ कर लिया है और बस यहाँ नहा धो के बिल्कुल फ्री हो गई हूँ, क्योंकि काम करते करते टाइम का पता ही नहीं चलता। बस अब मैं कर लेती हूँ अपने भगवान जी की पूजा। तो बस यहाँ पे मैंने कैमरा कहीं पे सेट नहीं किया था क्या, क्योंकि मुझे खुद जल्दी जल्दी पड़ती है। तो मैं सोचती हूँ कहाँ कैमरा सेट करो, बस जल्दी से काम कर लो अपना। तो बस मैंने यहाँ पे पूजा करने के बाद थोड़ी सी क्लिप बना ली है कि चलो अपने भगवान जी को आपको मैं दिखा देती हूँ। पूजा वगैरह करने के बाद फ्रेंड, मैं यहाँ आ गई थी किचन में और मैंने यहाँ पे अपनी कढ़ी को बनने के लिए रख दिया था। तो यहाँ पे बन रही है मेरी कढ़ी। तो मेरा छोटा बेटा बोला, मम्मी आप आलू की कढ़ी बना देना। तो मैंने कहा ठीक है, पकौड़ी की तो मैं हमेशा बनाती हूँ, तो आज मैं कढ़ी की आलू की ही मतलब कढ़ी बना देती हूँ। तो बस इसमें मैंने डाल दिए थे आलू और यहाँ हमारी कढ़ी बन के तैयार हो गई। और मैंने उसके बाद यहाँ पर रख दी है चावल बनने के लिए। चावल बनने हैं, कढ़ी भी बन चुकी है, बस अब रोटियाँ बनाना बाकी है और मैं बस रोटी बनाऊंगी। और उससे पहले मेरे डले हुए हैं कपड़े जो मैंने धो के बाथरूम में मेरे टंगे हुए हैं, तो मैं ऊपर जा रही हूँ कपड़े टांगने, कपड़े सुखाने डालने के लिए। तो फिर मिलती हूँ थोड़ी देर बाद। और यहाँ मैं गई थी ऊपर कपड़े डालने के लिए, तो मैंने सोचा चलो मैं आपको अपना थोड़ा बहुत घर का काम दिखा देती हूँ, क्योंकि मैं हर वीडियो में आप लोगों से बोलती हूँ कि मेरा घर बनना है, मेरा घर बनना है, मेरी कारीगर लगे हुए हैं, पर मैंने कभी आपको दिखाया नहीं था। बस मैंने सोचा क्या दिखाओ, जब पूरा घर कंप्लीट हो जाएगा ना, जब भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो फ्रेंड, अभी मेरे घर का चला है प्लास्टर और मेरे यहाँ पे निकले हैं दो रूम। एक जो अभी कारीगर वगैरह ना फ्रंट पे प्लास्टर कर रहे थे, तो वो एक रूम है। फिर वो जीना गया, ये दूसरी वाली थी बाथरूम। और फ्रेंड, ये है किचन। ये किचन है, अभी किचन में तो बिल्कुल अंधेरा हो रहा है, तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये है किचन, और जब इसमें लाइट लग जाएगी ना तब बताऊंगी। उसके बाद ये बगल में जगह है, तो यहाँ पे मैंने मंदिर के लिए जगह छोड़ी है। और फ्रेंड, ये एक रूम ये है, ये रूम मेरा कुछ पहले बना हुआ था, बस उसी पे उसी की छत मत बढ़वा के उसको ऊपर बढ़वा दिया है। तो बस यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। अच्छे से नहीं दिखाया कि सब लोग थे, बात नहीं कर पाए। उसके बाद फ्रेंड, मैं आ गई यहाँ पर नीचे। चलो मीठों की मेरी कढ़ी और चावल तो बन चुके थे, तो मैंने सोचा चलो अब रोटियां भी बना लेती हूँ, क्योंकि टाइम हो गया है। जब मेरी रोटी बन रही है ना, तो अभी 12 बज चुके हैं। तो यहाँ पे बस मतलब अभी 12 नहीं है, 11:45 का टाइम है और 12 बजे से होती है मेरी लाइफ। तो बस मुझे यही लग रहा है कि जल्दी से मैं बस बना लूँ अपनी रोटियाँ, जिससे मैं अपने 12 बजे से अपनी लाइफ भी स्टार्ट करूँगी। तो बस मेरी यहाँ पर रोटियाँ बन रही हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने बना ली है गाय की रोटी, और अभी रोटी सेकने में थोड़ा टाइम है, तो चलो तब तक लोहियाँ बना के रख लेते हैं। तो बस यहाँ पे रोटियाँ वगैरह बन रही है और यहाँ पहली रोटी बना ली मैंने गाय की। काम इतना काम तो प्रेशर रहता है, सच बता रही हूँ, और बहुत देर हो जाती है काम करते करते। मैं सोचती हूँ कि अपना रूटीन थोड़ा सही करूँ, सुबह जल्दी उठूँ, पर क्या करूँ, सुबह जल्दी मेरी आँख नहीं खुलती है, पता नहीं क्यों काफ़ी टाइम हो जाता है, 7 से 7:30 तो बज ही जाते हैं। पर मैं सोचती हूँ जल्दी उठूँ, जल्दी काम करूँ, जिससे मेरा काम भी जल्दी हो जाए। और जिस दिन मेरा बेटा जाता है ना ऑफिस वगैरह, तो उस दिन तो मैं जल्दी मतलब कर देती हूँ, उसके लिए नाश्ता बना देती हूँ, मतलब पराठे वगैरह ऐसी कुछ, तो वह खा के चला जाता है। पर अभी डेली नहीं जा रहा, वो थोड़ा गैप कर देता है। और बस, और एक्चुअली क्या है कि सब लोग ना थोड़ा लेट ही खाना खाते हैं। मेन बात तो ये, अगर मैं सुबह ना 9:30 बजे अगर कुछ बना के भी रख दूँ ना, पराठे वगैरह, तो हमारे यहाँ इतनी जल्दी कोई खाना खाता नहीं है। खाने का तो वो ही टाइम है, 11:30-12 बजे तक खाते हैं हमारे यहाँ खाना। फिर मेन बात ये है, थोड़ा बहुत नाश्ता वगैरह हो जाता है ना, तो फिर जल्दी भूख नहीं लगती, 12:30-12 बजे तक ही भूख लगती है ना, इसलिए मैं जल्दी खाना बना के नहीं रखती हूँ, क्योंकि ठंडा खाना अच्छा भी नहीं लगता और किसी को, और दो तो वो भी नहीं अच्छा। मेरी आदत है मैं कि गरम गरम ही
खाना बनाती हूँ जब जिस टाइम पे खाते हैं उसी टाइम पे। उसके बाद यहाँ पे मेरे चावल भी बन गए थे, तो मैंने गाय की रोटी में थोड़ी सी कढ़ी और चावल जो भी मैंने खाना बनाया था वो रख दिया और साइड में रख दी। और यहाँ पे फिर अब टाइम हो गया है कम से कम 1 बजे का, और यहाँ मैं बनाने लगी हूँ। दिन भर हो जाता है काम करते करते, टाइम का तो पता ही नहीं चलता कि कितने जल्दी टाइम निकल गया है। और ये घर पे जो काम लगा हुआ है और सबकी लाइफ वगैरह में जाओ वो भी करना पड़ता है, तो बस बिजी 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 सारा दिन ही पता नहीं चलता कि कैसे निकल जाता है पूरा। और आपको एक न्यूज़ देनी है, और जो शिवानी कुमारी है ना बड़ी यूट्यूबर है, उसके मामा जी का 15 तारीख को देहांत हो गया था। और शिवानी कुमारी ना ग्वालियर आई थी अपने मामा जी को लेके, और क्योंकि कानपुर वालों लोगों हॉस्पिटल वालों ने कह दिया होगा कि ग्वालियर लेके जाओ, तो वो लोग ग्वालियर आए थे। तो उनके मामा जी का ना ग्वालियर के हॉस्पिटल में देहांत हो गया है, तो उन्होंने अपनी वीडियो में बताया था और मैंने देखी थी। तो बस उनके मामा जी बहुत अच्छे थे, वो ना अपने वो सारी वीडियो में बहुत हंसाते थे, बहुत कॉमेडी करते थे, काफ़ी अच्छे थे। मैंने शिवानी कुमारी की वीडियो काफ़ी देखी है, तो उनके मामा मामी थे और मामा बहुत अच्छे थे। तो उनका 15 तारीख को देहांत हो गया है, वो ग्वालियर में ही देहांत हुआ, सो उनके बहुत बुरा लगा। बस भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, क्या कर सकते हैं, कोई ये चीज़ एक ऐसी है जो इसे कोई भी नहीं रोक सकता है, तो बस भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। और चलो मैं देखे आती हूँ कारीगरों को चाय, क्योंकि बन रही है मेरी चाय, तो चलो। और मैंने आपको थोड़ा बहुत दिखाया था, मैं भी अच्छे से मैंने होम टूर मतलब नहीं दिखाया है, और जब मेरा घर बन जाएगा ना पूरे तरीके से तो बस मैं आपको दिखाऊंगी। अब बस मेरा ये कल का और मतलब एक दिन का और ये मैं जो वीडियो बना रही हूँ ना, आज कितनी तारीख है पता नहीं, आज 17-18 तारीख है शायद, तो बस एक दिन का और रह गया है प्लस्तर, फिर टाइल्स वगैरह लगेंगी, फिर और आगे के काम होंगे, अभी पुट्टी वगैरह होगी, बहुत काम होता है घर में। घर बहुत देर में बनके तैयार होता है, हम लोग सोचते हैं कि जल्दी हमारा घर बनके तैयार हो, तो ऐसा कुछ नहीं है, घर बनने में काफ़ी टाइम लग जाता है। तो बस बन रहा है धीरे धीरे, और मेरा पूरा घर तो ऐसा गंदा पड़ा है, इसी चक्कर में आपको मैं रूटीन भी नहीं दिखा पाती हूँ। उस सुबह ना ये कारीगर वगैरह 6 बजे जाते हैं, उनके जाने के बाद मुझे पूरी झाड़ू और पूरा पोछा लगाना पड़ता है, साफ़ सफाई करनी पड़ती है। तो बस जितना और मुझ पर जितना वीडियो बनता है मैं बना लेती हूँ, तो प्लीज़ आप लोग ना मेरी वीडियो को सपोर्ट करते रहिए और लाइक करते रहना, और चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब भी करते रहिए। तो फ्रेंड चलो मैं कारीगरों को दे देती हूँ चाय।